बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमीन, मैं आपको ख़ास तौर पे ये जो आपने नया इनिशिएटिव लिया, मैं आपको इसकी मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। एलांगो, आई वांट टू थैंक यू फॉर वर्ल्ड बैंक टू हेल्पिंग अस इन दिस वेरी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। मैं सबको बाबर अली साहब आपके लिए और हमारे महमूद खान आप बैठे हुए हैं, उस्मान बुज़दार आपके लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एक चीज़ समझना कि देखें, हमारी आबादी जिस रेट पे बढ़ रही है, अगर अभी हमने अपने ये इलाकों को ना बचाया तो हमारे हमारी आने वाली नस्लों में, हमारे बच्चों में किसी को भी वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी जो मैं जब बड़ा हो रहा था पाकिस्तान में, तो जो मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, जिस तरह की पाकिस्तान में खूबसूरती अल्लाह ने दी, जिस तरह की हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, पहाड़ी इलाके, ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं है बदकिस्मती से अभी तक कि अल्लाह ने इस मुल्क को किस तरह की नेमतें दी हैं। और इसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी, फ़र्क कितना ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान में 12 इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 12 जोन्स हैं, कोई दुनिया में मुल्क में इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है जो हमारे मुल्क में है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान का, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारी साहिब इक्तदार इस मुल्क में, वो छुट्टियाँ लंदन बनाने जाते थे या बनाते, अभी भी बड़े बड़े महलात हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में किस तरह का किस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों में खूबसूरती है। हर इलाके की अपनी खूबसूरती है, जिस तरह की वाइल्ड लाइफ है वो भी मुख्तलिफ है, आप ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से नीचे चले जाएं। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फ़ैसला किया, मेरे ख़्याल में ये आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जो मुझे दूसरी चीज़ पसंद आई वो ये कि हमें अभी तक नेशनल पार्क्स को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, उनको कैसे हमने चलाना है, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें सारा कुछ, दरख्त भी कट रहे होते हैं, जानवर भी जा रहे होते हैं, तो किसी को समझ ही नहीं है कि नेशनल पार्क को प्रिजर्व कैसे करना है। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया IUCN से और बाहर जो समझते हैं नेशनल पार्क्स की प्रिजर्वेशन, और दूसरी इको टूरिज़म, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना कि हमने जो अब टूरिज़म के लिए इलाके खोल रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि वहाँ सड़कें नहीं पहुँची, तो वो अब KP के अंदर उन्होंने, महमूद खान आपने जो टूरिज़म के नए इलाकों को नोटिफाई किया हुआ है और वो जो जोन्स में बनाया हुआ है, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी इन इलाकों को ना खोलना जब तक कि आपके पूरे वो बायलॉज ना बने हों, जब तक आपको पूरा ना पता हो कि जब नया इलाका खुलेगा तो उसमें आपने क्या चीज़ अलाउ करनी है, क्या नहीं करनी। मसलन कई ऐसे ऐसे मैंने यहाँ ख़ुद जाके इलाके देखे हुए हैं जिधर आपको गाड़ियों को कभी जाना ही नहीं देना चाहिए, वहाँ वहाँ सिर्फ लोगों को घोड़ों पे पैदल जाना चाहिए, इस तरह के इलाके हैं, वहाँ गाड़ियाँ चलेगी वो इलाके तबाह हो जाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर गलियात को तबाह होते देखा है, मरी को तबाह होते देखा है। बाबर अली साहब को पता होगा कि ये वक्त एक ऐसे थे कि ये बड़े प्रोटेक्टेड, यहाँ बड़ी ये मरी एक ऐसी जगह थी कि हर बड़ा लॉज थे वहाँ, आप किधर घर बना सकते हैं, किधर नहीं बना सकते, ये इस तरह शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता फ्री फॉल ऑल हो गया। वहाँ शॉर्टेजेज हैं, पानी की हैं, बड़े अगले मसले आएंगे और वो मैं देख रहा हूँ कि और भी इलाकों में, अगर क्योंकि हम रेगुलेट नहीं करते, बायलॉज नहीं बनाते, हमें पता नहीं है कि इको टूरिज़म क्या चीज़ है। ये नई चीज़ अब निकलाई है कि जब आप टूरिज़म के लिए कोई खोलेंगे तो उसको उसकी इकोलॉजी को देखेंगे, उसकी आप देखेंगे कि उसमें कोई इस तरह की तो टूरिज़म नहीं लेके आ रहा है कि आप सारे इलाके को तबाह कर दें। हमारे ये जो मरगला हिल्स हैं, ये भी लोगों को नहीं पता, इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी का नाम लेते हैं या इस तरह के कितने मुख्तलिफ प्लांट्स हैं यहाँ, वेजिटेशन ऐसी है, यहाँ जानवर भी हैं,
लेकिन ये बड़े यूनिक है मरगला में, और ये शुक्र है कि हमने इसको अभी नेशनल पार्क बना के बचाया हुआ है। लेकिन मुझे डर ये है कि ये जो केपी साइड पे महमूद खान, वो वहाँ बड़ी तेज़ी से उधर अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है जो कि बड़ा नुकसान पहुँचाएगी इस पार्क को। कहने का मेरा मतलब ये है, अल्लाह ने इस मुल्क को नेमतें दी हैं, और जो हमने अपने मुल्क में पिछले 70 साल में किया, हमने उन नेमतों की कदर नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे फॉरेस्ट, हमारे जंगलात भी ख़त्म होते गए। हमने डेवलपमेंट की उस पर भी कोई सोचा नहीं। तो जो इलाके मेरी ज़िंदगी में हमने देखे थे प्रिजर्व हुए हुए और ख़ूबसूरत इलाके, और वहाँ दरख्त भी थे और वो बचे हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे इलाके तबाह हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी तीन गुना बढ़ चुकी है जब से पाकिस्तान बना है। तो जैसे जैसे आबादी फैल रही है, हम उन इलाकों में जा रहे हैं और तबाह कर रहे हैं जिन इलाकों को हमें बचाना चाहिए। तो आज जो ये हमने इनिशिएटिव लिया है 15 नेशनल पार्क्स का, मुझे खुशी है कि सारे सूबों के अंदर ये पार्क्स बन रही हैं, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। मुझे ये भी खुशी है कि इसके अंदर अब हम गाइडलाइंस देंगे यहाँ से पूरी तरह कि कैसे इन नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक मुकामी लोगों को फ़ायदा नहीं होता, वो नेशनल पार्क्स बचेंगे नहीं। हमने इस तरह नेशनल पार्क्स बनानी है और वाइल्ड लाइफ को, कि जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोज़गार भी उसमें से मिले, उनको फ़ायदा नज़र आए कि अगर ये नेशनल पार्क बनेगी तो हमारी ज़िंदगियों बेहतर हो जाएंगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो प्रिजर्व किए हैं चित्राल के अंदर, मैं जाके जो देखे आईबैक्स को जो उन्होंने प्रिजर्व किया है, वो सिर्फ इस तरह बच गए हैं, नहीं तो अभी तक आईबैक्स गलत तरीका से शिकार करके ख़त्म कर देने थे। लेकिन आज आप जाके देखें, क्योंकि वो लोगों को उसमें से फ़ायदा नज़र आता है, वो लिमिटेड शिकार करने की इजाज़त देते हैं, वो जो शिकारी है वो पैसे देता है, वो पैसे लोगों के ऊपर खर्च होते हैं, वो मुकामी लोग ही आईबैक्स को बचा रहे हैं अब, और वो आईबैक्स अब यानी पहले जितने थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसी तरह स्नो लेपर्ड है, वो दुनिया देखने आना चाहती है, पाकिस्तान वो चंद दुनियों में मुल्क है जिधर स्नो लेपर्ड है अभी भी, उसको भी बचाने के लिए हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा। और भी हमारा जो मार्कोपोलो शीप है, वो भी दुनिया में चंद मुल्कों के अंदर है। इस तरह की और बहुत जानवर हैं जिनको हम बचा सकते हैं, और ये बचेंगे तब जब मुकामी लोग हमारे साथ शामिल होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेंगे, यानी उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक इलाके को, उनकी हम तनख्वाहें देंगे उनको, उनकी जब रोज़गार वहाँ से मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट होगा इन इलाकों को बचाने का। और आखिर में ये जो इको टूरिज़म है, हम ये अब जब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो नए इलाके हम खोल रहे हैं, महमूद खान आपके केपी के अंदर जो नए आप इलाके खोल रहे हैं, इनके लिए पहले खोलने से पहले ज़रूर आपके पास बायलॉज होने चाहिए। और ये जो इको टूरिज़म के जो अमीन आपका काम होना चाहिए, कि जो आपने दुनिया को कहा हुआ कि मसलन अमेरिका में नेशनल पार्क्स की बड़ी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन होती है, आपने उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, किस तरह की हमें वसाइल चाहिए, और जो भी वसाइल हो हमें खर्च करने चाहिए यहाँ, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जो फाइनल चीज़ वो ये कि हमें ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ख़तरा है हमें इस चीज़ से, और हमें इसलिए ख़तरा है कि हमारा जो पानी आता है दरियाओं में, वो आता है ग्लेशियर से, और जैसे जैसे मौसम गर्म होगा ये पानी कम होता जाएगा। इसलिए ज़रूरत है, एक तो हम जो 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, एक तो वो इसको काउंटर करेगा, लेकिन दूसरी चीज़ ये जो हम ग्रीन एरियाज अपने जो पार्क्स प्रिजर्व करेंगे, ये बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करेगा फ्यूचर के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो मैं फिर से अमीन आपको मुबारक देता हूँ, और ये सारी गवर्नमेंट्स को, सूबाई गवर्नमेंट्स को, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आपको सीरियसली लेना पड़ेगा इनको बचाने के लिए। अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने, हमारी किसी गवर्नमेंट ने इसको एक प्रायोरिटी नहीं समझा, किसी ने इसको ये नहीं समझा ये कितना ज़रूरत है हमारी अपनी ये ग्रीन एरियाज़, अपनी पार्क्स को प्रिजर्व करने के लिए।
और ये टाइम है प्रिजर्व करने के लिए। और मैं आप सब के लिए उस्मान आप भी हैं सीएम केपी पंजाब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे एजेके से भी बैठे हुए हैं सबके लिए कि देखें शहरों के लिए मैंने पूरा जोर लगा रहा हूँ, आपके मास्टर प्लान्स बनाएं अपने शहरों के लिए। अभी तक हमारे शहरों के मास्टर प्लान्स ही नहीं हैं और ये आउटडेट हो चुके हैं, हमारे शहर तबाह हो रहे हैं। कोई टाउन प्लानिंग तो तब होगी जब शहर के मास्टर प्लान हो गए, मास्टर प्लान्स ही नहीं हैं तो क्या यही नहीं पता शहर फैलते जा रहे हैं ना, हम वहाँ उनको सीवरेज दे सकते हैं लोगों को, जो हमारी लाइन्स हैं बिजली गैस वगैरह वेस्ट डिस्पोजल, वो जितने इतने शहर फैलते जा रहे हैं कि हम कभी भी इनको साफ़ नहीं रख सकेंगे। तो जब पहली स्टेप है मास्टर प्लान बनाना, नेक्स्ट स्टेप है टाउन प्लानिंग करना, और उसके अंदर आ जाएगी सारी जो हम लोगों को पानी देना चाहते हैं शहरों में और अम्यूनिटीज़ देना चाहते हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। ये भी इंशाल्लाह हमारा जो टाउन प्लानिंग है इसको भी हम अपनी एनवायरनमेंट का हिस्सा बना लेंगे, अपनी ये जो ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान है उसका इंशाल्लाह, ये जो टाउन प्लानिंग मास्टर प्लान टाउन प्लानिंग करके अपने शहरों को भी बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।